जो लोग सरकारी नौकरी हासिल करना चाह रहे हैं, तो एक अपडेट है मैक्सिमम लोगों के लिए जो रेलवे में पर्टिकुलरली जाना चाह रहे हैं, यानी इंडियन रेलवे के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर। एक वक्त में ये शोभा या ये मिनिस्ट्री वो मानी जाती रही है, वो अलग बात है कि आज के वक्त में हम उस लेवल पर पहुंच गए जहां पर प्रोटेस्ट के जरिए लोगों को जॉब्स लेनी पड़ रही है। रिक्रूटमेंट ड्राइव एक शुरू हुई है और 11,558 पोस्ट जो है वो निकाली गई है, वैकेंसीज खाली है, उन वैकेंसीज को फिल करना, खाली पदों को रिक्त करना। तो अक्टूबर 13 तक ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो शुरू की जाएगी, मतलब चलेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उससे बाजाब्ता तौर पर उम्मीदवार सामने आए, इनवाइट किया गया उनको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। यानी आप 12th पास भी हैं तो तब भी आप 30-35 हज़ार सैलरी लेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। एप्लीकेशन जो है वो सितंबर 14 से शुरू हो रही है और अक्टूबर 13 तक, यानी एक महीने का वक्त है, रेलवेज में जाकर आप करिएगा। कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 से 36 साल है वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जो लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे 18 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो एज लिमिट है वो 36 साल आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस प्रॉपर होगा, आपका मेडिकल होगा जो फिट होगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट लगेगा अथॉरिटीज को उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होगा, हर स्टेट हर यूटी से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बार नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वैकेंसीज क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, TTB है जिसको आप जो आपके ट्रेन्स में टिकट्स देने और लेने या देखने का काम करता है, स्टेशन मास्टर होगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर होगा जो साजो सामान वगैरह की निगरानी देगा करेगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट होगा और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होगा। यानी सीनियर क्लर्क या टाइपिस्ट भी आप बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट या टाइपिस्ट आप बन सकते हैं, गुड्स मैनेजर ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, टिकट सुपरवाइजर बन सकते हैं। और एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको ऑनलाइन जाना है, ऑफिशियल रेलवेज की, इंडियन रेलवेज की रिक्रूटमेंट बोर्ड है वेबसाइट, वहां पर है www.rrbapply.gov.in। फिर से बता रहा हूँ www.rrbapply.gov.in जो अभी तक तस्दीक की गई है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो नोटिफिकेशन भी हम तक आया है, मैक्सिमम लोग पूछेंगे तो 12th पास भी अगर आप हैं तो 11,558 जो NTPC वैकेंसीज हैं इनका आप हिस्सा बन सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके सामने रख दी है, कैटेगरी आपकी भी काम करेगी, पॉपुलर कैटेगरीज NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट एप्लीकेशन आप जरूर इनके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट पोस्ट हैं 8,113 और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं 3,445, तो 12वीं क्लास के जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मास्टर, जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क और टाइपिस्ट। और टोटल वैकेंसीज जो हैं चीफ कमर्शियल कम टाइप टिकट सुपरवाइजर की 1,736 हैं, स्टेशन मास्टर की 994 पोस्टें हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,144 हैं, 1,507 हैं, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 732 हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, और टोटल 8,113 ये पोस्टें बनती हैं। जबकि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2,022 पोस्टें हैं, RRBs में जो आते हैं और ऊपर जो मैंने बताया वो सारे RRBs के हैं, ऑल RRBs हैं, और ये वाली जो है वो RRBs की हैं। मेडिकल टेस्ट आपको मिलेगा, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट मिलेगा 381 पोस्ट हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं 990 हैं, 72 हैं, ट्रेन क्लर्क जो होता है 72 पोस्ट हैं, और ट्रेन क्लर्क की जो बेसिक पे होगी वो 19,900 रुपये, इतनी ही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की होगी, और 19,900 रुपये ही इनिशियल पे स्केल है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का, और 21,700 रुपये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को मिलेगा। जबकि 35,400 रुपये मिलेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को, 35,400 रुपये ही स्टेशन मास्टर को, 29,002 रुपये गुड्स ट्रेन मैनेजर को, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 29,200, और यही 29,200 रुपये मिलेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को। तमाम जो एज लिमिट्स हैं 3 साल प्रिस्क्राइब जो एज लिमिट है, कम से कम कोविड पेशेंट्स के बाद उसमें आगे या दाखिल होना हुआ होना चाहिए, 18 से 36 के दरमियान होना चाहिए। और फिटनेस डिटेल्स भी आप जरूर दीजिएगा, इंडियन रेलवेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप मुकम्मल तफसीलात। वैकेंसीज जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हैं वो 8,113 है, और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यानी जो 12वीं पास है 3,445 पोस्टें हैं, आप इनके लिए अप्लाई कीजिएगा। रोजगार का एक मौका है, बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं, बाकी किस्मत अल्लाह के हाथ में है, किसकी अनाउंसमेंट बाद में फाइनल नाम में होगा किसके लिए।
तो ऑर्गेनाइजेशन है आरआरबी, यानी जिसको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप कहते हैं। एग्जाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी 2024 का है। पोस्ट का नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। टोटल वैकेंसीज 11,558, इतनी पोस्टों को फिल किया जाएगा। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। एग्जाम आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, सीबीटी मोड पर होगा। कैटेगरी रिक्रूटमेंट है और ऑफिशियल वेबसाइट में एंड में फिर से बता रहा हूं जहां पर आप जाकर ये सारी चीजें चेक करेंगे, indianrailways.gov.in। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने बता दी हैं। 18 से 36 साल और 18 से 33 साल के दरमियान बिलतरतीब। और एप्लीकेशन फी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी एग्जामिनेशन की, वो 500 रुपए जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट, उसके लिए 400 रुपए इसमें रिफंड कर दिए जाएंगे जो बैंक अकाउंट डिडक्ट करेगा। जैसे आपका सीबीटी हो जाएगा, एंट्रेंस हो जाएगा, तो 500 में 400 वापस आ जाएगा। जो एससी एसटी कैटेगरीज के लोग हैं, एक्स सर्विसमैन के बच्चे अगर आप हैं, कोई रिटायर किसी का फादर हुआ है, या फिजिकली डिसेबल आप हैं, जिस्मानी तौर खास हैं, आप विकलांग हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या माइनॉरिटी हैं, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, ईबीसी आते हैं, इस कैटेगरीज में 250 रुपए आपको फी देनी होगी और ये भी बाद में रिफंड कर दी जाएगी जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ओपन कैटेगरी वालों को 500 रुपए देने हैं, जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे 400 रुपए वापस आ जाएंगे। और जो माइनॉरिटीज हैं, कमजोर तबकात हैं, एस सी एस टी कैटेगरी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, फिजिकली आप डिसेबल हैं, तो 250 रुपए आपको इसके लिए देने होंगे। ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए एक चीज है जो कंफर्म करना भी बाकी है, इसका मैं जरूर पता लगाऊंगा, दैट इज कि सेंटर्स कहां पर बनेंगे, कैसे बनेंगे। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है दोनों ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। नेशनल लेवल का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस पे होंगे, मैथमेटिक्स पे होंगे, जनरल इंटेलिजेंस पे होंगे, रीजनिंग होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में स्टेज वन और उसके बाद स्टेज टू की तरफ आप जाएंगे। आपके स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इफ एप्लीकेबल, ये क्लियर कर दिया गया है। तो बाद में जाकर सेंटर्स या मराकज की क्या मुकम्मल तफसीलात आएंगी, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँ। ओवरऑल ये सिचुएशन अभी तक है। indianrailways.gov.in पर जाइएगा, एक क्लिक पर आपको पता चलेगा, और वहां अगर आप इस क्राइटेरिया में फिक्स करते हैं, नाउ यू हैव टू अप्लाई। थैंक यू सो मच।